हरे कृष्णा राधे कृष्णा में आपका स्वागत है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये गोपाल जी के लिए पैजामे और इनर बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। पैजामे और इनर हम 10 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए एक इनर और पैजामे बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई 11 है और चौड़ाई इसकी 10 इंच है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से इसका देना है 3 इंच में। हमें ये स्लीव्स लेनी है इसकी 2.25 इंच में, इस तरह से इसकी हम मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे हम हल्के से इस तरह से गोलाई दे देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्किंग कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक पार्ट में, चाहे हम बैक में या फ्रंट पे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ सेंटर है। जी फ्रेंड, अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग इस तरह से है, बहुत हमने छोटा सा हल्का सा नेक कट किया है। अब हम इस स्लीव से स्टिच करेंगे। तो हम इस स्लीव्स पे फोल्ड करके सिलाई कर देते हैं फ्रंट में और स्लीव्स पे। पहले हम यहाँ पे सिलाई करते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप डबल फोल्ड कर सकते हैं, मैं इसमें सिंगल फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ से इस तरह से हम स्टिच कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे जो हमने फ्रंट साइड में इसे कटिंग की है, इसको इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह फोल्ड कर देते हैं। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से स्टिच किया है हमने। यहाँ पे हम वेलक्रो लगा देंगे। अब हम इस तरह से स्लीव्स की इसमें यहाँ से सिलाई लगा देते हैं स्लीव्स के लिए। स्लीव्स में ज़्यादा लूज नहीं रखनी है। कट कर दिया हमने यहाँ हल्का सा इस तरह से। तो देख फ्रेंड्स, अपने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हम इस पर वेलक्रो अटैच कर देते हैं। एक साइड हमें ऊपर, एक साइड हमें नीचे रखनी है। तो हम यहाँ से रखें और इस तरह से रख के इसे स्टिच कर देते हैं। देखिए हमने स्टिच किया। तो इसको हम ऊपर के साइड से रखेंगे। देखिए हम इस तरह से इसे नाप लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसे रख लेते हैं, इसको स्टिच कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी के लिए इनर स्टिच कर लिया है हमने। अब हम पैजामे बना लेते हैं। अब इतने पैजामे के लिए फैब्रिक लिया है। फैब्रिक लिया, इसकी लंबाई है 16.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 6.5 इंच। तो हम यहाँ इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। मैं हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। हम थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे इस साइड लगभग 1/2 इंच का। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से। अब हम इसमें इलास्टिक डालते हैं। तो हमने इलास्टिक ली है इस तरह से। हम इसमें 7.5 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। तो हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। देखिए, अब हम पिन की हेल्प से इसे इसमें डाल देते हैं। देखिए हमने इसमें इलास्टिक डाल दी है। अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये मार्क ये रहा। तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये मार्क हमारा ये दिख रहा है, देखिए। देखिए मार्किंग हमारा, मार्क से हम इसे
कट कर देते हैं। हमने इस तरह से डाल दिए इलास्टिक। अब हम इसे यहाँ से एक तरह स्टिच करते हैं इसे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेंटर में कट करते हैं इस तरह से, इसे इस तरह से रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इधर 1.25 इंच का एक मार्क इधर करते हैं, 1.25 इंच का मार्क यहाँ करते हैं। ऊपर से हम यहाँ पे 3 इंच का मार्क करते हैं, इस तरह से हल्के से गोलाई देते हुए इसे बी शेप में स्टिच कर लेते हैं। हमें यहाँ 2 इंच लगभग ही रेडी रखना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हल्का सा कट लगा देते हैं दोनों साइड में ताकि इसमें घूल ना पड़े। देखिए पजामी बन के रेडी हो गई है। इसी पजामी बनी है। आप हम इनर को इस साइड से भी पहना सकते हैं, इस साइड से भी पहन सकते हैं। आपका जिधर से मन करे आप उधर से पहनाइएगा, जिधर से आपको अच्छा लगे। देखिए फ्रेंड्स ये पजामी बन के रेडी हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।